यार आज तो हमारे देश में 15 अगस्त का फेस्टिवल है और मैंने अपने कॉलेज में डांस में भी पार्टिसिपेट किया है और उसके लिए मुझे रिहर्सल भी करनी है क्योंकि इस बार मुझे फर्स्ट आना है और ये दूध वाला पता नहीं कहाँ रह गया है, अभी तक नहीं आया। दूध वाला दूध ले लो, दूध दूध वाला दूध ले लो, दूध दूध वाला दूध ले लो, दूध वाला दूध ले लो, दूध। हाँ लगता है वो आ गया। ये लो मैम दूध। ए दूध वाले, आज तो इतना लेट कैसे हो गया? तुझे पता है आज हमारे देश में 15 अगस्त का फेस्टिवल है। वो मैम आज घर पे कुछ काम था। हाँ हाँ ला, आप जल्दी दूध कर। मैम मुझे पैसों की बहुत जरूरत है तो कल आप मुझे पैसे दे देना प्लीज। हाँ ठीक है, कल तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है। यार ये शिवानी पता नहीं कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई। यार शिवानी तू ना आज हमें फिर से लेट करा दिया, और तुझे बताया मैं तेरे यहाँ कितने देर से वेट कर रहा हूँ। यार क्या बताऊँ तुझे, आज दूध वाले की वजह से लेट हो गई, वो आज फिर से लेट आया। चल यार अब निकलते हैं, कॉलेज में प्रोग्राम स्टार्ट हो गया होगा। सुनो पिताजी मैं दूध बेचने जा रहा हूँ, ठीक है? दूध वाला दूध ले लो, दूध दूध वाला दूध ले लो, दूध। अरे सुन भाई कहाँ जा रहा है, दूध तो दे जा। अभी देता हूँ साहब। कितना साहब, एक लीटर? हाँ एक लीटर दे दो। ठीक है साहब। दूध वाला दूध ले लो, दूध वाला आ गया, दूध ले लो। मैम साहब दूध ले लो, दूध वाला आपके दरवाजे पर खड़ा है। मैम साहब। हाँ बोलो। कल मैंने आपसे पैसों के लिए बोला था तो आप मुझे पैसे दे दीजिए। वो आज मेरे पास पैसे नहीं है तो तुम कल ले लेना। लेकिन मैम साहब आपने तो आज के लिए बोला था। अरे कोई नहीं कल ले लेना। नहीं मैम साहब मुझे अपने पिताजी का इलाज कराना है, मुझे अपने पिताजी के लिए दवाई भी लानी है। अरे आज नहीं है कल ले लेना। मैम साहब प्लीज मैम साहब दे दो ना पैसे। मैम साहब। ए दूध वाले तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तूने मुझे छूने की कोशिश की, तुम साले गरीब होते ही ऐसे हो क्योंकि तुम जैसे गवारों को बदतमीजी के सिवा और आता ही क्या है। तुम जैसे लोग तो बहाना ढूंढते हो हम जैसी खूबसूरत लड़कियों को टच करने का। देखो मैम बदतमीजी मैं नहीं आप कर रहे हो, मैं तो अपने दूध के पैसे मांग रहा हूँ आपसे। अच्छा तो अब तेरी इतनी औकात हो गई, तू मुझसे जवान लड़ा रहा है? चुपचाप चला जाए यहाँ से और अब तेरे दूध के पैसे भी नहीं मिलेंगे। मैम साहब आज मैं अपने पैसे लेकर ही जाऊँगा। अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगा, चल अब निकले यहाँ से। और सुन आज के बाद ना मुझे इस गली में दिखाई मत दे जाना।
अरे पिताजी आप लेट जाइए। बेटा मुझे उठा के बैठाते। ठीक है पिताजी, आराम से। बेटा एक गिलास पानी पिला दे। ठीक है पिताजी, अभी लाता हूँ। ये लीजिए पिताजी। बेटा मैं कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ, मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। नहीं पिताजी ऐसा मत बोलिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। पिताजी मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है पिताजी, आप लेट जाइए पिताजी। ठीक है पिताजी, मैं दवाई लेने जा रहा हूँ, जैसे ही दूध बिकता है मैं आपकी सारी दवाई ले आऊंगा। मैं आपको कैसे बताऊं कि कोई भी दूध का पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, और मुझे डर लगता है कि कहीं अब भी मुझे छोड़कर चले ना जाए। अरे बेटा तू यहाँ बैठकर रो क्यों रहा है? तू तो मेरी दवाई लेने गया था। बोल बेटा क्या बात है? पिताजी अब मैं आपको क्या बताऊं, कोई भी दूध के पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, और हमारे घर पर एक भी पैसा नहीं है पिताजी, जिससे मैं आपकी दवाई ला सकूं। और पिताजी मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जाती, मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा कुछ भी। कोई बात नहीं बेटा, भगवान सबको देख रहा है, एक ना एक दिन जरूर हमारी सुनेगा। पिताजी पैसों की कमी होने के कारण मैंने माँ को तो बचपन में ही खो दिया, लेकिन मैं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं देखना चाहता, इसलिए पिताजी अब मैं शहर जाऊंगा और शहर जाकर बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए। ठीक है बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तू शहर जा, खूब पैसे कमा, जिससे हमारी गरीबी दूर हो। ठीक है पिताजी, आओ चलते हैं। उसके बाद मैं अपने पिताजी को घर छोड़कर एक नए शहर में जॉब करने की तलाश में आ तो गया, लेकिन मेरी किस्मत मुझे कहाँ लेकर जाने वाली थी ये मुझे भी नहीं पता था। इस नए शहर में मेरे लिए सब कुछ अनजान था, और इसी बीच मेरे साथ ये सब हुआ। अरे यार इतनी रात हो रही है और ये लड़का यहाँ पर बैठा बैठा रो रहा है, मुझे चलकर पूछना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। अरे भाई कौन हो आप, और इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहे हो और रो क्यों रहे हो, बताओ मुझे क्या बात है? सब घर पे मेरे पिताजी बीमार पड़े हैं, और उनके इलाज के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। साहब मेरे बैग में मेरे सारे डॉक्यूमेंट थे सर, सभी चोरी हो गए, और साहब अब बिना डॉक्यूमेंट्स के मेरे लिए कोई नौकरी पर भी नहीं रखेगा। साहब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है साहब। कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। देखो इस वक्त बहुत रात हो चुकी है, और मैं चाहता हूँ कि इस वक्त आप मेरे साथ चलो, मेरे पास भी ऑफिस में बहुत से काम हैं, अगर आप कुछ काम कर सको तो मेरे पास काम कर सकते हो। ठीक है फिलहाल मेरे साथ चलो। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो साहब। चलो भाई बैठो गाड़ी में। रोहितास जी सर, ये है मेरा ऑफिस,
और यहाँ पर मेरी कंपनी का कंप्यूटर और नेटवर्किंग का टोटल वर्क रहता है, और आज से तुम इस कंपनी के GM हो, और आज के बाद टोटल वर्क तुम हैंडल करोगे। थैंक यू सो मच सर। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो। रोहितास आओ बैठो। रोहितास मैं तुम्हें अपनी कंपनी की डिटेल्स और प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ। यार एक काम करता हूँ, पिताजी को बता ही देता हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई है। हेलो, नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा। कैसे हो पिताजी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। तू बता बेटा, तेरी नौकरी लगी या नहीं लगी? हाँ पिताजी, मुझे नौकरी मिल गई है। और हाँ एक बात और पिताजी, मैं चाहता हूँ कि आप भी शहर आ जाओ, जिससे कि मैं आपका एक अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज करा सकूँ। नहीं बेटा, मैं गांव में ही ठीक हूँ, तू अपनी नौकरी ठीक से कर। अच्छा ठीक है पिताजी, मैं फोन रखता हूँ। नमस्ते। नमस्ते बेटा, तू अपना ख्याल रखना। हेलो रोहितास। हाँ सर। आज मैं कंपनी की डील फाइनल करने के लिए 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, और कंपनी का जितना भी डाटा है मेरे पास सेंड कर देना। ओके सर। और हाँ एक बात और, कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन पर विशेष ध्यान रखना है। ठीक है सर। मे आई कम इन सर? कम इन। थैंक यू सर। सर लास्ट मंथ की सैलरी सभी एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में आ गई है, पर मेरे अकाउंट में नहीं आई है, तो आप प्लीज़ एक बार चेक करके बता दीजिए। तू तू यहाँ कैसे, और सर की कुर्सी पे क्या कर रहा है? चल खड़ा हो यहाँ से, तेरे जैसे दूध बेचने वाले की औकात नहीं है इस कुर्सी पर बैठने की। सुन, इस कंपनी का GM हूँ मैं, और शायद मुझे लगता है तेरे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया अपने सीनियर से किस तरह बात की जाती है। सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था आप इस कंपनी के GM हैं। क्या कहा? माफ़ कर दूँ और तुम्हें माफ़ कर दूँ? क्या कहा था तुमने कि तुम एक दूध बेचने वाले गवार हो? गवार मैं नहीं बल्कि तुम हो, जो पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी अपनी अमीरी के घमंड में आकर दूसरों का मजाक बनाती हो। और अब याद करो कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। चुपचाप चला जाए यहाँ से, और अब तेरे दूध के पैसे भी नहीं मिलेंगे। अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगा, चल अब निकले यहाँ से। और सुन, आज के बाद ना मुझे इस गली में दिखाई मत दे जाना। और हाँ, मैं तुम जैसे लोगों को नौकरी पर नहीं रख सकता, गरीबों को कीड़ा मकोड़ा समझते हो। निकल जाओ यहाँ से। गेट आउट। आई सेड गेट आउट। सो हेलो गाइस। तो गाइस सबसे पहले तो आप सभी के लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइस जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो, और कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखना है इस 15 अगस्त पर। और हाँ जो लोग हमारे इस चैनल पर नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बटन दिया हुआ दबा दीजिए उसके लिए। और हाँ यार जिसने भी मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो जाकर, यहाँ पर आपको मेरा यूजर नेम दिखाई दे रहा है रोहितास राणा 21, जल्दी जाकर फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।